नमस्कार, सबसे बड़ा मुद्दा में आपके साथ मैं हूं आयुष सूर्यवंशी। यूपी चुनाव के पहले चरण का मतदान हो चुका है। सभी सियासी दलों ने दूसरे चरण के लिए पूरी ताकत भी झोंक दी है, लेकिन विपक्ष अभी भी ईवीएम पर सवाल उठाने लगा है। अभी से अखिलेश यादव की ट्वीट के बाद कासगंज पहुंचे पीएम मोदी ने पलटवार किया और ईवीएम पर सवाल उठाने वालों को जवाब दिया। लेकिन इन सब के बीच सवाल ये भी है कि क्या विपक्ष पहले ही ओवर में बोल्ड हो गया, जो प्रधानमंत्री कह रहे हैं। विपक्ष ने 10 मार्च से पहले ही क्या हार मान ली है? ईवीएम पर सवाल क्या हार का बहाना है? और पहले चरण के बाद क्या विपक्ष के समीकरण बिगड़ गए हैं? और हार जीत के चरण में ईवीएम कहां से आखिर आ गया? इन तमाम सवालों का जवाब जानने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ एक खास पैनल जुड़ेगा, लेकिन उससे पहले खास रिपोर्ट देखिए। 10 फरवरी से यूपी के सियासी महासमर का आगाज हो गया। पहले चरण में पश्चिमी यूपी के 11 जिलों की 58 सीटों पर वोट डाले गए। करीब 60% मतदान। वोटिंग के बाद विपक्ष ईवीएम का राग अलापने लगा तो कासगंज पहुंचे पीएम मोदी ने विपक्ष पर जमकर निशाना साधा। पीएम ने कहा कि मतदान के बाद विपक्षियों के चेहरे लटक गए। अब वो खुल करके परिवार की बात करने लग गए। योगी जी, आपने क्या हाल कर दिया इन लोगों का। आपको मालूम है ना, जैसे क्रिकेट में क्या होता है, वो बॉलर बॉल फेंकता है, जब विकेट मिलती नहीं है तो बॉल वहां पहुंचने से पहले ही चिल्लाता है एम्पायर के सामने देख के, आउट आउट आउट, और फिर नहीं होता है तो एम्पायर पे गुस्सा करता है, एम्पायर के सामने पैर पसारता है। देखा है ना आपने? इस चुनाव के पहले चरण के बाद हा ये लोग उसी प्रकार का भाषा वातावरण अब ईवीएम को दोष दो। अरे जनता जनार्दन आपको स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं है। अब उत्तर प्रदेश को गुंडा राज नहीं चाहिए। दरअसल मतदान के बाद समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने ट्वीट किया था। उन्होंने लिखा था, चुनाव आयोग से अपील है और साथ ही ये अपेक्षा है कि जहां भी ईवीएम खराब होने या जानबूझकर मतदान धीमे कराए जाने का आरोप लग रहे हैं, उन मतदान केंद्रों पर वो तत्काल यथोचित कार्रवाई करें। सुचारू और निष्पक्ष मतदान चुनाव आयोग की सबसे बड़ी जिम्मेदारी है। साल 2014 के बाद से ईवीएम को लेकर लगभग हर चुनाव विपक्ष आवाज उठाता रहा है। इस दौरान एक लोकसभा और कई राज्यों के विधानसभा चुनाव, लेकिन हार का ठीकरा विपक्ष ईवीएम पर ही फोड़ता रहा। वहीं बरेली पहुंचे सीएम योगी ने विपक्ष पर करारा वार किया। न्यूज स्टेट से खास बातचीत में सीएम योगी ने कहा कि पहले चरण के बाद विपक्षी दलों के चेहरे उतर गए। भारतीय जनता पार्टी भारी बहुमत से प्रचंड बहुमत की सरकार बनाएगी। कल प्रथम चरण के मतदान के बाद जो अभी सिनेरियो आ रहा है उससे स्पष्ट हो चुका है। एक सवाल सर यह है कि आज अखिलेश यादव ने बोला है कि जो गर्मी निकालने की बात कर रहे थे उनके समर्थक शांत हो गए हैं, सर क्या कहेंगे? ये तो सपा बसपा और कांग्रेस के प्रथम चरण के मतदान के फलस्वरूप उनके चेहरे बता रहे हैं कि प्रथम चरण मतदान के बाद परिणाम क्या आने जा रहे हैं। इसी पर चर्चा के लिए दो खास मेहमान हमारे साथ कनेक्ट हैं। डॉक्टर उमा शंकर पांडे जी हैं प्रवक्ता कांग्रेस के और साथ साथ हीरो वाजपेयी जी हैं प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी के। पहला सवाल डॉक्टर उमा शंकर पांडे आपसे ही है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि विपक्ष के चेहरे उतर गए हैं और ये पहले चरण के रुझान बताते हैं। देखिए, ये बिल्कुल स्पष्ट है कि योगी जी का चेहरा और उनका बॉडी लैंग्वेज आजकल देखने लायक है। वो किस तरीके से डरे सहमे और चिंतित बेचैन नजर आ रहे हैं, ये मुझे लगता है आपके दर्शक उनके चेहरे को देखकर भली भांति अंदाजा लगा सकते हैं। जो असफल विद्यार्थी होता है वो असफलता को पचा नहीं पाता तो ऊट पटांग बातें करने लगता है, जैसा कि योगी जी तमाम बातें कर रहे हैं। कभी गर्मी की बात कर रहे हैं, कभी कह रहे हैं कि कश्मीर, पश्चिम बंगाल और केरला की अराजकता, और ये कहते हुए वो भूल जाते हैं कि उन तीनों राज्यों का भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ही हैं। अगर वो प्रधानमंत्री को नकारा कहने लगे तो ये समझ में आ सकता है कि हार की बौखलाहट में योगी जी इस तरीके की बातें कर रहे हैं। ठीक है। और क्यों ना हो, पिछले 5 सालों तक जिस तरीके की असफल सरकार योगी जी ने चलाई है चारों तरफ, किसानों पर, महिलाओं पर, युवाओं पर,
और व्यापारियों पर उनके पुलिस का अत्याचार चल रहा है और पुलिस को इन्होंने गैंगस्टर बना के रख दिया है। कभी गोरखपुर में व्यापारी को पीट पीट कर पुलिस वाले मार देते हैं, कभी लखनऊ में विवेक तिवारी को गोली मार देते हैं, कभी महोबा में इंद्रकांत त्रिपाठी को गोली मार देते हैं। तो ये जिस तरीके की अराजक सरकार योगी जी ने चलाई है और जिस तरीके से धोखे की सरकार चलाई है, उसके लिए उत्तर प्रदेश की जनता ने पहले चरण के मतदान में ये बता दिया है। वाजपेयी जी, योगी जी हार की हताशा झलक रही, इस वजह से ऐसे बयान सामने आ रहे हैं बीजेपी की तरफ से पहले चरण के रुझान के बाद। जी मुझसे सवाल है हीरो वाजपेयी जी, इस तरह की बात कर रहे हैं। 33 साल से जो उत्तर प्रदेश में अफसल है, 33 साल से जो उत्तर प्रदेश में असफल हो रहे हैं, वो कांग्रेस के मित्र प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी का चेहरा पहचान रहे। मुझे लगता है पूछिए इनसे कि पश्चिम में जो 58 सीटें हो, किसी एक भी सीट पर कांग्रेस का परचम लहराने जा रहा है क्या? नहीं। केवल इस तरह की बातें बैठ करके, आप विपक्ष हैं, मान लिया कि आप विपक्ष में हैं और 33 साल से आपको जनता उत्तर प्रदेश की नकार रही है, लेकिन इस तरह की बातें वो कहते हैं, दूसरे अनर्गल प्रलाप कर रहे हैं, वो खुद अनर्गल। भाई जब आप खुद नहीं जीत रहे, बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना, उस तरह के बयान आप क्यों दे रहे हैं? भाई उत्तर प्रदेश के प्रथम चरण में भारतीय जनता पार्टी पिछली बार 58 में 53 सीटें जीती थी और इस बार भी रिजल्ट उसी के आसपास आने वाला है। आप कहाँ हैं? आप ना तो देश में कहीं है ना प्रदेश में कहीं है। इस तरह के अनर्गल प्रलाप चैनल पर बैठ के करना शोभा नहीं देता। आपको अपनी बात बताइए कि इस बार कांग्रेस प्रियंका गांधी के रूप में जो चेहरा लाई है, क्या कर पाई? अगर वो कुछ नहीं कर पा रहे तो मुझे लगता है चैनल पर बैठ के इस तरह अनर्गल प्रलाप नहीं करना चाहिए। अब वो रेफरी की भूमिका में आए और गुण दोष के आधार पर आकलन करें पक्षों विपक्ष का। ठीक है, सत्येंद्र यादव जी समाजवादी पार्टी के नेता हमारे साथ कनेक्ट हैं और साथ ही एनके सिंह सर वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। सत्येंद्र जी आपका ही रुख करूंगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कासगंज से कहा कि जब कोई बॉलर विकेट नहीं पाता है तो अंपायर पर जिस तरह से सवाल उठाने लगता है, उसी तरह से पहले चरण में हार के बाद समाजवादी पार्टी की तरफ से ईवीएम पर सवाल उठाए जा रहे हैं। सवाल यहां पर यह है कि चुनाव नया है, सपा भी नहीं है, आप लोग कह रहे हैं, तो फिर वो जो राग है ईवीएम वाला, वो फिर बार बार क्यों आ जाता है? देखिए ऐसा है कि इस वक्त प्रधानमंत्री जी प्रत्येक दिन एक नई भूमिका में दिखाई देते हैं, एक फिल्म अभिनेता की तरह प्रत्येक दिन एक नए किरदार में दिखाई देते हैं। जिस तरह से हमने फिल्म देखी थी राजा बाबू, उसके गोविंदा की तरह जब जो मन करता है बन जाते हैं, जब जो मन करता है बोल देते हैं। प्रधानमंत्री नहीं, अब वो सिर्फ भाजपा के प्रचार मंत्री हैं और भाजपा के प्रचार मंत्री के रूप में ही देश को संबोधित करते हैं, वो देश के प्रधानमंत्री के रूप में नहीं करते हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी ये चंदा चोर पार्टी है, ये रोजगार चोर पार्टी है, ये दवाइयां चोर पार्टी है, ये ऑक्सीजन चोर पार्टी है, 700 किसानों की हत्यारी है, पत्रकारों की हत्यारी है, ये जालसाजी और फरेबी सरकार। तमाम मुद्दों के बीच में सत्येंद्र यादव जी ईवीएम का सहारा क्यों लेना पड़ रहा है जब तमाम मुद्दे आप जिक्र कर रहे हैं, जमीनी मुद्दे क्यों नहीं? आप एक बात बताइए, कितने सारे वीडियो आए कि इन लोगों ने जहां पर इन्हें मालूम के समाजवादी पार्टी के लिए बंपर वोटिंग होने जा रही है, ऐसी जगहों पर वहां की स्थानीय पुलिस व्यवस्था से लेकर प्रशासन व्यवस्था तक इन लोगों ने जो सहयोग ले सकते, क्योंकि भाई हर चुनाव में 2014 के बाद, 17 के बाद, 19 के बाद समाजवादी पार्टी कहती है, आप लोग डिबेट में आके कह जाते हैं, कितनी बार आप लोगों ने इसके लिए कानूनी सहारा लेने की कोशिश की, कितनी बार आप लोग कोर्ट लेकर चले गए और कोर्ट जाने का निष्कर्ष क्या निकाल पाया? पार्टी की तरफ से आयोग तो लिखा जाता है, लेकिन पूरा देश देख रहा है। जब देश में प्रधानमंत्री जी के एक टेलीफोन कॉल पे जब चीफ इलेक्शन कमीशन की पूरी टीम उनके घर पे मिलने पहुंच जाती है, इधर आप न्यायालय भी देखिए, तो चुनाव लड़ क्यों रहे जब इलेक्शन कमीशन पर भरोसा ही नहीं है? छोटा सा खबर, फिर एनके सर मैं आपके पास आऊंगा। हीरो वाजपेयी जी जल्दी कहिए। देखिए घबराहट जो है, बौखलाहट वो बोलने लगी है। अगर इनके पास मुद्दे होते, इनकी विश्वसनीयता होती, तो लगातार 12 में जो व्यक्ति सत्ता थाली में परोस के पाया था, 14 में लुटा दी, 17 में लुटा दी, 19 में लुटा दी, कब तक ये अपने निकम्मेपन की बात ईवीएम के सहारे करने की कोशिश करेंगे? देखिए पूरे आपदा काल में कहीं दिखी नहीं जनता के बीच में अखिलेश यादव, वर्क फ्रॉम होम करते रहे, ट्विटर से पार्टी चलाते रहे, आज चुनाव के मैदान में जनता के पास भी नहीं जा रहे, एक मंच पे दोनों लड़के चढ़ जाते हैं और प्रेस कॉन्फ्रेंस या संबोधन कर देते हैं। ऐसी जनता जो आपदा काल में बड़ा सवाल सवाल उठाया गया है, तो क्या 2022 के चुनाव में दूसरे चरण से
ईवीएम भी एक चुनावी मुद्दा बन गया है हर चुनाव की तरह। एनके सर, सर आवाज मिल रही है क्या आपको? अच्छा मुझसे पूछ रहे हैं। जी जी, देखिए मैं व्यक्तिगत रूप से इसके बहुत खिलाफ हूं कि आप ईवीएम को दोष दें, क्योंकि ये ईवीएम हम लोगों ने बुला के इलेक्शन कमीशन ने हमें डिमॉन्स्ट्रेट किया था और एक एक चीज मैंने खुद ईवीएम को ऑपरेट किया है और एक एक चीज इलेक्शन कमीशन से आज से 12 साल पहले इसको दरियाफ्त किया गया। हमने अपने एक्सपर्ट बुलाए थे, उन्होंने अपने एक्सपर्ट बुलाए थे, ईवीएम में कोई खतरा नहीं है। मैं तो कभी कभी कहता हूं कि जो लोग ईवीएम पे आरोप लगाते हैं या इलेक्शन कमीशन पे आरोप लगाते हैं उन पार्टियों को एक अंडरटेकिंग देनी चाहिए सुप्रीम कोर्ट में कि अगर हम जीत गए तो हम सरकार नहीं बनाएंगे, क्योंकि आप एक संस्था को डिबॉलिश कर रहे हैं। तो यहां तक तो ठीक है, लेकिन अब इसका दूसरा पक्ष क्यों ये पॉलिटिकल पार्टीज आरोप लगाती है इसको जरा गहराई से समझना होगा। अगर आपका इलेक्शन कमीशन बगल में नरेंद्र मोदी चुनाव के सहारनपुर में 3 बार नाम लेते हैं दंगों का और उन दंगों का नाम लेके लगातार इन्फ्लुएंस करते हैं यहां के वोटर्स को ठीक बगल में जाके, और इलेक्शन कमीशन को कोई एतराज नहीं है, मैं किस तरह से अमित शाह पूरा का पूरा चुनाव लड़ते हैं और खुले मुंह घूमते हैं, सारे वायलेशन करते हैं, लेकिन अगर प्रियंका गांधी कर देती है तो इलेक्शन कमीशन को एतराज होता है। तो मुझे लगता है कि चुनाव आयोग पे पॉलिटिकल पार्टी का ट्रस्ट खत्म हो गया है। मैं जानता हूं ईवीएम में कोई गलती नहीं है, ये लोग बेमतलब का बकवास करते हैं ईवीएम पे आरोप लगा के। जैसे अभी कल कहा गया कि साहब मुस्लिम एरिया में स्लो हो गया है, जानबूझ के स्लो करा दिया गया वोटिंग। आप तो जाके देख लीजिए मुस्लिम एरिया में परसेंटेज ज्यादा रहा है। लेकिन पॉलिटिकल पार्टीज की मुश्किल ये है कि उन संस्थाओं पे ट्रस्ट है ही नहीं है, और बिल्कुल सही है उनका, क्योंकि ये संस्थाएं ट्रस्टवर्दी रही नहीं है। तो अगर वो आरोप लगाती है तो मुझे नहीं लगता कि कोई गलती है, क्योंकि उनका विश्वास उनके ऊपर नहीं है। लेकिन इनके सर मैं संक्षेप में आपसे जानना चाहूंगा, वक्त कम है, दो अलग अलग पहलू। एक तरफ ईवीएम पर जब सवाल उठते हैं उसका आपने कहा कि ये हैक नहीं की जा सकती, इसको लेकर अगर आप पर विश्वास नहीं है तो आप कानूनी रुख अख्तियार किए। दूसरा जो पहलू है कि जो इलेक्शन कमीशन की तरफ से कार्रवाई की जाती है उसकी बुनियाद पर सवाल उठ रहा है। हाँ बिल्कुल सही है, ईवीएम पे कहीं कोई गलती नहीं है। मैं आज मतलब हलफनामा देके कह सकता हूं कि ईवीएम एक फुल प्रूफ सिस्टम है और कोई टेम्पर नहीं कर सकता, असंभव है। लेकिन चुनाव आयोग के जो अपना कंडक्ट है, अगर आपका पीएमओ बुला लेता है चीफ इलेक्शन कमिश्नर को जो कि कॉन्स्टिट्यूशन का पोस्ट है, तो आप समझ सकते हैं कि सत्ता कितनी ताकतवर है और किस तरह रीढ़ विहीन बन जाता है इलेक्शन कमीशन। तो यहां तो गलती है ही है, और यहां पे अगर अपोजिशन पार्टीज लगाती है आरोप तो कहीं कोई गलती नहीं है, लेकिन ईवीएम पे ना लगाए, क्योंकि ईवीएम कहीं से भी टेम्पर नहीं किया जा सकता, ये मैं भरोसा दिला सकता हूं। डॉक्टर उमाशंकर जी, एक बड़ा यक्ष प्रश्न इनके सर ने पक्ष पर ही खड़ा किया है कि अगर ईवीएम पर इतना भरोसा नहीं है तो जीतकर आप लोग सरकार न बनाइए, इस बात की गारंटी दे दीजिए। देखिए बात ये नहीं है, बात ये है लोकतंत्र में सजग रहना बेहद जरूरी है, और एनके सिंह जी ने ये बात कही और हम लोगों ने भी देखा है। वाजपेयी जी से लूंगा, पिछली बार भी जब चुनाव था तो हिमाचल प्रदेश और गुजरात के चुनाव एक साथ थे, गुजरात में घोषणाएं करने के लिए इलेक्शन कमीशन ने नरेंद्र मोदी को टाइम दिया था, तो निश्चित रूप से इलेक्शन कुमार शंकर जी मैं ये कह रहा हूँ, सवाल मैं हीरो वाजपेयी जी से लूंगा, जो मेरा सवाल आपसे था उसका जवाब दीजिए ना, कि ईवीएम से अगर आप लोगों की सरकार आ जाती है जिन राज्यों में आई है तो आप फिर आप लोगों ने क्यों नहीं कहा कि हम सरकार नहीं बना रहे, क्योंकि ये जनमत जो आया हमारे पक्ष में ये ईवीएम से आया था। देखिए एक चोर होता है, मैं प्रधानमंत्री जी के लिए नहीं कह रहा हूं, मैं एक उदाहरण दे रहा हूं, एक चोर होता है तो उसकी कहीं पर चोरी करता है, कहीं पर नहीं कर पाता, चलिए इलेक्शन कमीशन को लेकर सवाल उठाया जा रहा है, सत्ता का गलत इस्तेमाल का आरोप लग रहा है, बहुत संक्षेप वक्त कम है सर। देखिए ये लगातार जब हथियार की हताशा होती तो इस तरह के आरोप लगते रहते, मुझे लगता है जब ईवीएम जनता वोट डालती है और जनता जनार्दन है तो हार जीत का फैसला लोकतंत्र में जनता करती है। चलिए ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका भी, खास मेहमानों का चर्चा में जुड़ने के लिए मुझे लगता है सरकार का। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या एक बार फिर से ईवीएम का मुद्दा अगर विपक्ष ने उठाया है तो क्या ये मुद्दा अगले दूसरे चरण से शुरू होकर सातवें चरण तक एक सियासी मुद्दा रहेगा, क्या इस पर भी वोट की बात कही जाएगी, और जो बड़ा सवाल वरिष्ठ पत्रकार अनके सर की तरफ से उठाया गया कि क्या विपक्षी पार्टियों को अगर जनमत मिल जाता है किसी भी राज्य में तो सरकार बनाने से क्या इनकार करने का मादा रख पाएंगी। बहुत शुक्रिया इस चर्चा में सभी का जुड़ने के लिए, छोटे से ब्रेक के लिए यहां पर रुकते हैं।